अरे क्या हुआ भाई, तुम लोग ऐसे फ्रिज क्यों हो गए? अरे बाद में क्या हुआ बोलना। अरे कहानी खत्म हो गई, पहले ही बताया था ना बिना अंत वाली कहानी है। ये बिना अंत वाली कहानी नहीं लग रही है, बिना मतलब वाली कहानी लग रही है। सेकंड हाफ बताना। नहीं अरे खत्म हो गई तेरी तो। कोई हमें मिस्ड कॉल करे, हम उस पे कॉल बैक करें ना, तो कैसा लगता है तुम्हें? पता है ना, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है यार। क्लाइमेक्स पता चल जाएगा तो मजा कैसे आएगा? कम ऑन नेस, क्या है ये सोचो, मेरी रेंज पर आकर मुझसे होशियार कहलाओ। बकवास बंद करके मुद्दे की बात बता। मैं बताऊंगा। इम्पॉसिबल। लता के घर जो आई हुई है वो लता नहीं है। वो लता नहीं है? वो लता का आदमी है। ये कैसे हो सकता है? लता के पास आने वाला उसका आदमी है बोल रहा है। तुझे कैसे पता चला, जरा बताओ तो। मतलब लता कोई और है क्या? ए तुम रुको जरा। क्यों बॉस, मेरे माइंड में जो क्लाइमेक्स है वो तुम्हें कैसे पता चला? 7 साल पहले यानम में हुई एक घटना है। आदमी की जगह बदल कर औरत का नाम बताया। ओह शिट। क्यों भाई, हमें फूल्स बनाने के लिए कहानी ही बदल दी क्या? कहानी में थोड़ा ट्विस्ट डालने के लिए ट्राई किया था यार। बोतल फेंक के मारूंगा तुझे। तो रोकना यार, ये स्टोरी 7 साल पहले न्यूज़पेपर में आई थी, तुझे कैसे पता चला? तुमने जो घटना स्टोरी में सुनाई वो मेरे दोस्त के साथ घटित होकर प्रिंट हो गई। प्रिंट हो गई? क्या है वो? मेरा एक दोस्त रहता था, वो कुदरत की खूबसूरती को कैमरे में बंद करता था, जंगल देखने आने वालों के साथ गाइड बनकर रहता था। उसके लिए जंगल सब कुछ था, वो जंगल को माँ से भी ज्यादा प्यार से देखता था। कोई भी जंगल में शराब पिएगा तो भी, और वेपन्स के साथ आकर वो जंगली जानवरों का शिकार ना करे, इसके लिए वो लड़ता था। इसी जंगल में 3 बदमाशों की नजर पड़ी, चमड़ियों के लिए, दांतों के लिए जानवरों को मारते गए लाल चंदन। लाल चंदन के पेड़ों को और कई अनमोल पेड़ों को जड़ों से उखाड़ दिया और जंगल सूख गया, जंगल माता की मृत्यु हो गई। ये सब देखकर मेरा दोस्त नहीं रह पाया। इन सब की वजह पॉलिटिशियंस, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इन तीनों से भिड़ गया वो। पैसों की ताकत, बल की ताकत, अधिकार, कुछ भी होवे, उन लोगों के सामने मेरा दोस्त बलि हो गया। जंगल माँ की गोद में वो हमेशा हमेशा के लिए सो गया। दोस्त को मार डाला? जंगल से उसका प्यार कम नहीं हुआ था, इसलिए वो आत्मा बन के यहीं घूम रहा है। अगर इस जंगल में रहना है तो उन तीनों नियमों का पालन करना होगा। वो नियम मेरे नहीं हैं, उसी के हैं। उसके नियम का अगर पालन नहीं करोगे तो जान से जाओगे, इसीलिए मैंने ये नियम पहले ही बता दिए थे। लेकिन एक बात सच है, अब तक जिसने भी उन नियमों का पालन नहीं किया उसने अपने प्राण गंवा दिए। ये देखो तो, जोक बहुत अच्छा है बॉस। आदमी जिंदा हो तो भी उसे मरा बताकर पेंशन लेने वाली औरतें तो देखी हैं, लेकिन मरे हुए आदमी के नाम पर टेंशन देने वाला पागल आदमी आज ही देख रहा हूं। ऊपर से आत्माएं ऑर्डर पास करती है और हमें उनका पालन जरूर करना चाहिए। है तेरी तो। जंगल में कदम रखने के लिए लाइसेंस चाहिए, क्यों बॉस? जंगल में रुकने वाले को जो चाहिए वो लाइसेंस नहीं, कॉमन सेंस है। उसकी हमारे पास कोई कमी नहीं है। ए, तू भी ना यार, वो ऐसी बात करता रहेगा, हम लोग अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ए, उसने जो बताया वो सच लग रहा है। अरे ये सब बकवास है यार, मैं बिना देखे किसी बात पर यकीन नहीं करता। यहाँ यकीन करना नहीं करना वो पॉइंट नहीं है, बात की कहानी कौन बताएगा वो पॉइंट है।
कहानी में कंटेंट डालने के लिए बॉटल फुल होनी चाहिए। दारू खत्म हो गई है, और है क्या? कार में सीट के नीचे होगी, जाकर ले आ। थैंक्स भाई, मैं जाकर ले आता हूँ, अब भी आता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अपने लोग अलग अलग तरह से थ्रिल कर रहे हैं यार। कार रुक गई तो रुक गई, लेकिन अपने अंदर की क्रिएटिविटी तो बाहर आ गई। ए जीएस यार, जानेमन पियोगी? ए छी, ए ज्यादा पीना बंद करो वरना मरोगे, वैसे भी सुनेगा नहीं तू। ठीक है अंजलि, तुम कहानी सुनाओ। मुझे वेंकट ने बताया था वो स्टोरी फिल्म स्टोरी जैसी है, अगर मैं डायरेक्टर होती डायरेक्ट फिल्म की स्टोरी ओपन करती। वो एक सुनसान रोड है, उस रोड पर एक खूबसूरत लड़की लिफ्ट के लिए किसी का इंतजार कर रही है। हीरो उसी रास्ते से कार में आ रहा है। लिफ्ट के लिए जब वो लड़की कार को रोकती है तो हीरो को ऐसा फील होता है जैसे उसे गिफ्ट मिल गया हो। कुछ दूर जर्नी करने के बाद पता चलता है कि कार में बैठी वो लड़की लड़की नहीं, आत्मा है। रिवील करेंगे फिर इंटरवल। यही है हमारा नया प्रोजेक्ट, कैसा लगा? सर, अनुसुईया अमरावती, सब की सब हॉरर मूवी ही बनाई है, तो फिर से हॉरर मूवी क्यों? वैसे सर, आज का ट्रेंड कॉमेडी सिनेमा बनाने का है, अगर कॉमेडी बनाएंगे तो ट्रेंड को फॉलो करने के लिए कह रहे हो? अगर किसी को फॉलो करते तो रामगोपाल वर्मा जैसा डायरेक्टर मिलता क्या? शिवा जैसी फिल्म आती क्या? वो फिल्म आज भी हम सबको याद है। राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की ही फिल्में ले लो, सारी फिल्में अपने आप में मिसाल हैं। हमने जो सोचा है हम उसी को ही सेलुलॉइड पर उतारेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है सर, हॉरर सिनेमा ही बनाएंगे, पर आखिर वो लड़की आत्मा कैसे बनी? पता नहीं, इसी प्लॉट को सोचने के लिए कल फार्म हाउस जा रहा हूँ। और आपने इसका टाइटल क्या सोचा है सर? हाँ या फिर ना। अच्छा है सर। कहानी पूरी होते ही बताऊंगा। ओके थैंक यू। बोलिए प्रोड्यूसर साहब। सर, आपने टीवी देखा क्या? नहीं देखा तो नहीं, क्या हुआ? रवि बाबू फिर से हॉरर मूवी बना रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ में आ रहा है टीवी पर। अरे लेकिन मैंने अभी अपनी कहानी पूरी नहीं की, आप अभी से पब्लिसिटी के पीछे क्यों परेशान हैं? प्रोजेक्ट अनाउंस करेंगे तभी तो फाइनेंस मिलेगा ना सर। ठीक है मैं देख लेता हूँ, अभी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे। ओके। मेरी कार खराब हो गई है, होटल भी नहीं मिल रहा। इफ यू डोंट माइंड, थोड़ा सा लिफ्ट देंगे प्लीज? श्योर। आपको कहाँ तक जाना है? बस यही पास के। सर, आप डायरेक्टर रवि बाबू है ना? जी हाँ। आपकी फिल्म में मुझे बहुत पसंद है सर। हम कार में बैठकर भी बात कर सकते हैं। ओके ओके, सॉरी सॉरी, आपको देखने के बाद मुझे क्या बात करनी पता ही नहीं। ओके मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ। That's okay. Oh my God, इतने बड़े डायरेक्टर के साथ कार जानी? कार में बैठी हूँ। Oh, I'm so happy. I'm so excited. You know, I can't just believe it. That's all right. मैं भी आपके जैसा ही हूँ। सर, ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप तो इतने बड़े डायरेक्टर हो,
आपकी हर फिल्म रिलीज होने वाली को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखती हूँ मैं। आप झूठ बोल रही हैं। मेरी फिल्मों की लेडीज फॉलोअर्स नहीं होती। ऐसे क्यों बोल रहे हो सर? ये सेंटिमेंट्स, रोना धोना, ऐसे फालतू सीन्स मैं नहीं करता। सेंटिमेंट पे सीरियल्स, चैनल राइट्स ले लिए हैं सर। माँ, दादी माँ सब सीरियल्स की तरफ है, लेकिन हमारी यंग जनरेशन आपके साथ ही है सर। एक लड़की बोल रही है, यकीन कर लीजिए सर। थैंक यू। आपका नाम? माया। ओ माया, नाइस नेम। थैंक यू सो मच। रवि जी, आपसे एक बात पूछूं? श्योर, व्हाई नॉट। आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? एक हॉरर फिल्म बना रहा हूँ। हॉरर फिल्म? yep. हॉरर फिल्म तो मुझे बहुत पसंद है। ऐसा है क्या? हाँ। आपको डर नहीं लगता? डर? वो क्या है, मुझे पता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप डरते हो। मुझे अंधेरे और आत्माओं से डर लगता है। आप डरते भी हो? फिर भी आप डरावनी फिल्में बनाते रहते हो। मैं तो डर का बिजनेस कर रहा हूँ। मतलब आप डर को अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हो। इफ यू डोंट माइंड, आपकी नेक्स्ट पिक्चर की कहानी बता सकते हो? मेरा कहने का मतलब कि आप फिल्म कैसे बनाएंगे ये जरा डिटेल में बताइए। ओके, ओपन करते हैं। तो हीरो एक हाईवे पे ड्राइव करते हुए जा रहा है। रास्ते में एक खूबसूरत लड़की लिफ्ट मांगती है। लड़की खूबसूरत है, इसलिए ऑब्वियसली कोई भी लिफ्ट देगा। जर्नी के बीच में पता चलता है कि वो लड़की लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा है। हे, ये तो सिर्फ इमेजिनेशन है, ऐसे शॉक क्यों हो गई? ये बिल्कुल मेरी कहानी जैसी है। व्हाट? हाँ सर, आप मेरी कहानी मुझे ही सुना रहे हो। कुछ दिन पहले इसी हाईवे पे मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं मर गई। रिलैक्स, आई वॉज जस्ट जोकिंग। आप डर का बिजनेस करते हैं ना, ये बात सिर्फ पता करना चाहती थी। रिलैक्स। नाइस, आई लाइक इट। थैंक्स। आखिर आप कहाँ तक जा रहे हैं? मेरी स्टोरी क्लाइमेक्स पर स्टक है, जिसे लिखने के लिए मैं फार्म हाउस जा रहा हूँ। आपको कहाँ तक जाना है? मुझे जाना तो बहुत दूर है। ओह, इफ यू डोंट माइंड, आप इस वक्त मेरे साथ फार्म हाउस चल सकती हैं। रियली? या। आई एम सो लकी गर्ल टू बी विद यू। आई एम सो एक्साइटेड। गुड इवनिंग सर। राजू, गाड़ी में लगेज है, लेकर आ जाओ। ठीक है सर। वेलकम। थैंक यू। क्यों राजू, पौधों को पानी दे रहे हो ना? हाँ दे रहा हूँ सर। बैग मेरे रूम में रख। ठीक है सर। सो दिस इज माय पर्सनल प्लेस। वाओ। आई होप यू लाइक इट। Yes. So beautiful. It's amazing. Thank you. आपकी पसंद बहुत अच्छी है। फ्रेश होना है? या। वॉशरूम ऊपर है। ओके। यू कैन फील फ्री। राजू। जी साहब। ड्रिंक्स लेकर आना। स्नैक्स क्या बनाया है? आप कहिए क्या बनाना। अभी बनाएगा क्या? मैं आ रहा हूँ, तुझे पता है ना, पहले से क्यों नहीं बनाया? आप पानी गर्म मांगते हैं तो सोचा कि खाना भी गर्म। अरे बेवकूफ तेरी, तो अभी जल्दी से जा। और हाँ माया, कम कम प्लीज। या। वेज हो या नॉन वेज? आई एम नॉट ऑन डाइटिंग सर, मुझे कुछ भी चलेगा। वेरी गुड। राजू सर, अपने पास देसी चिकन है? चार है सर। चार है तो फिर एक फ्राई करो। हाँ सर। और एक का करी बनाओ। और बाकी बचे दो? उसे रहने दो। अभी जाओ, एक घंटा लेट भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन खाना फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ठीक है सर। स्कॉच सिगरेट चिकन,
इन तीनों के रहने से मैं फोर्थ मूड में चला जाता हूँ, यू नो माया। हर फिल्म का क्लाइमैक्स मैंने यहीं पर सोचा है, दिस इज माय लकी प्लेस। क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? अरे कार में बिना रुके इतना ज्यादा बात कर रही थी, सडनली इस तरह से साइलेंट। ओके 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 ओके, समझ में आ गया। मैं यहां पर ड्रिंक्स ले रहा हूं और दूसरी तरफ लड़के को बाहर भेज दिया है। नेक्स्ट क्या करने वाला हूं सोचकर डर रही हो ना? डोंट वरी माया, मैं डायरेक्टर हूं, विलेन नहीं हूं। सिचुएशन सिंक हो गया, करंट भी साथ दे रही है। देखा माया, करंट। माया माया माया, कहाँ हो तुम माया? माया वहां अंधेरे में क्या कर रही हो? अरे बात क्यों नहीं कर रही अंधेरे में, उस तरफ क्या कर रहे हो यहाँ? मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे डर नहीं लगता। ठीक है, आपको डर नहीं लगता है तो वहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ आकर बैठो ना। शराब पीने वाले आदमियों पे मैं भरोसा नहीं करती। आप ये कैसी बातें कर रही हो, और ये आपकी आवाज को क्या हो गया? ये बात मैंने बताई थी ना, हाईवे पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं मर गई थी। वो जोक तो आपने कार में ही सुना दिया था, अभी फिर से क्यों? ओहो, अंधेरे से डर लगता है इसीलिए ना। नो प्रॉब्लम, मेरे हाथ में हिम्मत है। आपको मैंने बताया था ना कि ये कहानी मेरे जैसी है, याद है कि नहीं? याद है, तो क्या हुआ? मेरी कार खराब हो गई थी और मैंने आपसे लिफ्ट ली, याद है ना? याद है याद है, तो क्या हुआ? क्या आपको वहाँ मेरी कार दिखी? What? मैंने आपसे लिफ्ट तो मांग ली लेकिन आपने मेरे कार पर ध्यान नहीं दिया। कार? मतलब तुम खूबसूरत लड़की नहीं, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ। सर सर, क्या हुआ सर? आप इतना डर जाओगे, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो जस्ट एक्टिंग कर रही थी। आपकी नई मूवी का ऑडिशन चल रहा है, पता चला मुझे। आपके ऑफिस के चक्कर काटने से आपके पीछे घूमना बेटर समझी थी। आपके मैनेजर ने बताया कि आप फार्म हाउस जा रहे हैं, इसीलिए आपको बीच रास्ते में ही मिल गई। मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा सर? आप तो डर को बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं सर, उसी डर को अपने टैलेंट को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया। सर कुछ बोलो सर, अब सर 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 उठिए सर 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 उठिए प्लीज सर, मैं बबल गम इफेक्ट के लिए उस तरफ घूमी थी और मैंने उसे अपने चेहरे पर चिपकाया था। उठिए ना सर, लुक एट मी सर, सर सर उठिए सर, सर प्लीज सर देखिए सर, सर सर प्लीज सर उठिए सर सर सर। एक्टिंग करने की बजाय जीना चाहिए, और जीने का समय आया तो भागना पड़ा। ये एक्शन बोलना चाह रहा था तो उसने कट ही कर दिया। अरे ये रियल स्टोरी है या रियल स्टोरी? रियल स्टोरी। कार में जो लड़की डायरेक्टर के साथ गई उसको उसने हैरेस किया, उसका फायदा उठाकर उसने उस लड़की का इस्तेमाल किया। इस्तेमाल नहीं किया यार, उसकी लाइफ को ब्लॉक किया। आत्मा भूत प्रेत कुछ भी हो, उनसे खेलना नहीं चाहिए। जब हम लोग खेलते हैं तो वो लोग सोते हैं, जब वो लोग खेलते हैं तो हम लोग सोते हैं। ये सब किस्मत की बात है। डेविल्स के बारे में कुछ और नहीं बता सकते?
अरे बाप रे, अब फिर से बोलना शुरू हो गए, दया करो। आकाश, हरिता, अब तुम दोनों की बारी है, पहले कहानी कौन सुनाएगा? मुझे कहानी नहीं आती। ऐसे नहीं चलेगा यार, कहानी बतानी पड़ेगी। ए, क्या तुम भी? बॉल उधर क्यों फेंकी? तो लेके आ जाना। स्टुपिड कहीं का। Hey, बॉल लेके आने में इतना टाइम क्यों? Come on, हरिता, कोई ना कोई कहानी बता सकती हो। पहले तुम भी तो सुना सकते हो ना। Ladies first होती हैं। ओहो, what a respect। ए, पहले तुम स्टार्ट करो। ओके ओके, वेंकट जरा वाटर देना तो। वाटर तो नहीं है, क्वार्टर है, पियोगी? Idiot। आकाश, वाटर चाहिए। हेलो बॉस, वाटर कहाँ मिलेगा? So kind of you। आकाश, 1 मिनट, वाटर पी कर आती हूँ। क्यों बे, ड्रिंक लाते समय कम से कम एक वाटर बॉटल तो ला ही सकता था ना? अरे 100 रुपए देकर सिगरेट का पैकेट खरीद सकते हैं, लेकिन 98 में मैच बॉक्स नहीं खरीदते, ये एक फोबिया है यार। हाँ आकाश, ए हरिता, क्या हुआ? ए, क्या हुआ? देखो चूहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओह, इसे देखकर तुम डर गई? जंगल में चूहे और हाथी नहीं होंगे तो और क्या रहेंगे? सडनली दिख गया तो। तुम्हारी आवाज सुनकर मैं कितना टेंशन में आ गया था। वो मेरे पैरों पर आ गया था, पता है? ठीक है, चलो आओ, पानी पी लिया? पिया। चलो चलते हैं। ओह शिट, तुम्हारे लिए आते आते कैमरे पर लात पड़ गई। अब इसे प्ले कैसे करूं? जब भी कोई इस जंगल में आता है तो मेरा परमिशन उसे लेना पड़ता है। परमिशन क्यों ले? जंगल तुम्हारा है क्या? अरे ये क्या है? इस जंगल का मैं ही राजा हूँ। ओ माय गॉड, जय ने बोली हुई बात सुनाई दे ये रही है। कैसे हुआ? लेकिन वो नहीं दिख रहा है। 1 सेकंड। अपने फ्रेंड्स भी कोई नहीं दिखाई दे रहे, मुझे डर लग रहा है। ए, मुझे एक छोटा सा डाउट है, जरा यहाँ आना। किस लिए? जरा साइड होना, फिर से आना। क्या कर रहे हो, जरा बताओ तो। एक मिनट। यस, मृत्युंजय ने जो बताई वो उसके दोस्त की नहीं, उसकी खुद की कहानी है। अच्छा, ये बात है। इसका मतलब उसने हमसे झूठ बोला था। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब मृत्युंजय इंसान नहीं है? वो आत्मा है। बच्चे तो हम दोनों ही हैं, कुछ भी करके हमें यहाँ से निकलना होगा। और हमारे सारे फ्रेंड्स? सबको मार डाला। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये सब कैसे हुआ होगा आकाश? दीपक से निकले हर इंसान को उसने मार डाला। अभी दीपक के पास बैठे सारे लोग अपने दोस्त नहीं हैं, बल्कि अपने दोस्तों के रूप में बैठी आत्माएं हैं, इसलिए वो मर गए हैं, ये बात हमें वो बता नहीं पाए। अब हमें क्या करना? अब बस एक ही रास्ता है, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। कल सवेरे तक मुझे अपने घर पहुँचना होगा, नहीं तो मेरे डैडी। ए हरिता, डर क्यों रही हो? ड्राइवर, गाड़ी निकालो। ए ड्राइवर, गाड़ी निकालो। इतनी रात में जंगल में सफर करना खुद को खतरे में डालना है। क्यों, जंगल में ड्राइव करने में डर लगता है क्या? मुझे अंधेरे से डर लगता है। ए, तुम धोखा दोगे तो मैं चुपचाप बैठने वाला मामूली इंसान नहीं हूँ। जय मृत्युंजय। जय
जंगल का पानी अमृत है, इंसान पिएगा तो खराब है, पेड़ पौधे औषधि हैं, इसलिए यहाँ आना निषेध है। चलो जल्दी चलो। पहाड़ों को, पेड़ों को और झरनों को पार करके कहां तक भाग के जाओगे तुम? तुम्हारा मरना निश्चित है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। ए हरिता, कम ऑन। ए हरिता, कम ऑन। क्या हुआ? आकाश, क्या हुआ? आकाश, चलो। संभाल के। ए, क्या हुआ? नहीं भाग सकते। बस थोड़ा ही दूर, वहां पर आराम कर लेना। चलो। पूरब से उत्तर पश्चिम में ठंडा होने वाला सूरज मैं नहीं हूँ। पंचभूतों का आह्वान करके तुम्हारा प्राण लेने वाला मैं प्रेतात्मा हूँ। आकाश, ए वहां चलते हैं, चलो। आकाश, सिंह की गरज अगर नहीं सुन सकते तो तुम इस जंगल में बिल्कुल नहीं रह सकते हो, क्योंकि सिंह ने तुम पर हमला करना शुरू कर दिया है। तुम यहां से भाग नहीं सकते। जल्दी चलो। बस थोड़ी दूरी पर है, चलो चलो आ जाओ। आकाश, बस आगे नजदीक है। सर आइए, सर बैठिए। चलो चलो मैडम आइए, जल्दी चलो चलो जल्दी चलो प्लीज, चलो जल्दी दरवाजा बंद। हाँ कर लिया, चलो। आज से तुम सब लोग मेरे साथ रहोगे, इस जंगल की रखवाली करोगे। कोई भी इस जंगल के नियमों के खिलाफ जाएगा तो यही अंजाम होगा।